तो आज है हमारा यहाँ पे दूसरा दिन। तो हम लोग ने एक रिक्शा बुक कर ली है, जो कि ले रहे हैं हम लोग से लगभग 300 से 400 रुपए, और ये हम लोग को यहाँ के पांचों मंदिर के दर्शन कराएगा। हालांकि माना जाता है जब आप महाकाल के दर्शन करते हो तो ये पांच मंदिर के दर्शन करना भी जरूरी होता है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके मंदिर के दर्शन। तो अभी हम लोग गढ़ काली का मंदिर है, तो दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको मैं बात करता हूँ। तो अभी मेरा यहाँ पे भी दर्शन हो गया, अभी मैं बाकी चार जगह दर्शन करूंगा, मैं आपको दिखाता रहूंगा और आपको बताऊंगा भी कि कितना पैसा लगता है। अभी मैं गणपति मंदिर का दर्शन करने आया हूँ दोस्तों, जो कि बाजू में ही था। चलते काल भैरव मंदिर जा रहा हूँ, आपको दिखता होगा वहां पे। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे दर्शन नहीं करते तो आपकी मनोकामना और इच्छा और जो भी आप मांगते हो वो पूरी नहीं होती है। ये भैरव रूप है, यानी कि महाकाल का ही एक भैरव रूप है। तो यहाँ पे मुझे दर्शन खा केवल 15 मिनट में हो गए, हालांकि भीड़ ज्यादा नहीं थी। यहाँ पे दोस्तों मदिरा चढ़ाई जाती है भगवान को। और मैं एक चीज बता दूं, जो मुकदमे जीत जाते हैं और जिनको संतान प्राप्ति होती है, वो यहाँ पे आके पेड़े वगैरह बांटते, प्रसाद बांटते। और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखने लायक है कि दीप स्तंभ, जिनकी शादी नहीं होती दोस्तों, वो यहाँ पे आके दीप स्तंभ जला के प्रार्थना करेंगे तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। हालांकि ये सब काफी विशेषताएं हैं इस मंदिर की। तो काल भैरव ये इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये यहाँ के उज्जैन के सेनापति भी है, जो यहाँ से सबकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों हर एक मंदिर की कुछ ना कुछ तो विशेषताएं हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा, फिर चलते हैं आगे, मैं आपको दूसरे मंदिर के दिखाता हूँ। आप लोग जरूर आइए, प्लीज विजिट कीजिए, बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत सारी आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। आप लोग नेट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या विशेषता है। चलते हैं आगे। यूं तो कहा जाता है कि भगवान के कई मंदिर है, लेकिन भगवान मंगलनाथ मंदिर में की गई मंगल की पूजा का जो महत्व है वो कहीं और नहीं। मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर जातक की कुंडली के दोषों का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी है, वो अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए मंगलनाथ मंदिर में पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से कुंडली में उग्र रूप धारण किया जा सकता है और शांति हो जाती है। इसी धारणा के चलते हर साल हजारों नवविवाहित जोड़ी जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। तो आप भी जरूर आइए अगर किसके मंगल दोष है। दोस्तों ये है इस बात की और काफी विशेषताएं, जो आप नेट पे पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। कहा जाता है कि द्वापर युग में दैत्य राजा बानासुर की पुत्री उषा जंगल के मार्ग से आकर जहां पर बने कुंड के अंदर भगवान शिव की आराधना करती थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें काल भैरव के रूप में दर्शन दिए थे और उनके प्रार्थना पर ही कलंतर में भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे। कुंडेश्वर मंदिर के पुजारी जमुना प्रसाद तिवारी बताते हैं कि सावंत 1204 में यहाँ पर धंतीबाई नाम की एक महिला पहाड़ी पर रहती थी। पहाड़ी पर बनी उखली में एक दिन वो धान कूट रही थी। उसी समय उखली से रक्त निकलना शुरू हो गया तो वो घबरा गई। उखली को अपनी पीतल की परात से ढक कर वो नीचे आई और लोगों को घटना बताई। लोगों ने तत्काल ही उसकी सूचना तत्कालीन महाराज राजा मदन वर्मन को दी। राजा ने अपने सिपाहियों के साथ आकर इस स्थल का निरीक्षण किया तो यहाँ पर शिवलिंग दिखाई दिया। उसके बाद राजा वर्मन ने यहाँ पर पूरे द्वार पर स्थापना कराई। यहाँ पर दरवाजे नंदी पर आज भी सावन 1204 अंकित है, जो उस समय की इस घटना के प्रतीक है। मंदिर में विराजे भगवान शिव को लेकर किवंदती की एक आज की राजकुमारी उषा यहाँ पर भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए आती है। मंदिर के पुजारी यमुना प्रसाद तिवारी सहित अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि आज भी पता नहीं चलता कि आखिर सुबह सबसे पहले कौन आकर शिवलिंग पर जल चढ़ा जाता है। कुछ लोगों ने इसका पता लगाने की प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। लोग बताते हैं कि कुंडेश्वर मंदिर में प्रत्येक वर्ष बढ़ने वाले शिवलिंग की हकीकत पता करने सन 1937 में टिकमढ़ रियासत के तत्कालीन महाराज वीर सिंह जू देवद्यूती ने यहाँ पर खुदाई प्रारंभ की थी। उस समय खुदाई में हर 3 फीट
पर एक जलधारी मिलती थी। ऐसी 7 जलधारी महाराज को मिली, लेकिन शिवलिंग की पूरी गहराई तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद भगवान ने उन्हें सौंप दिया और ये खुदाई बंद करा दी। यह प्राचीन एवं सिद्ध स्थल है। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग प्रतिवर्ष चावल के दाने के आकार बढ़ता है। इस मंदिर को लेकर आस्था ऐसी है कि इस स्थान को 13वें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भक्त इसे सभी ज्योतिर्लिंग से अलग ही भी मानते हैं, क्योंकि सभी शिवलिंग हर किसी की प्रतिष्ठा की गई है, जबकि कुंडेश्वर महादेव स्वयं भूए। सदियों में से कुंडेश्वर महादेव के प्रति भक्तों की आस्था ऐसी बनी हुई है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर उन्हें नजर आता है उस दिव्य शक्ति का अलौकिक रूप। तो अभी आ गया हूँ मैं खाना खाने, चलते आगे दिखाता हूँ। ओके, सो अभी आया हूँ लंच करने, टाइम हो रहा है 12 और मंगाया है हम लोग ने कुछ स्पेशल, फिर दिखाता हूँ आपको। लंच करने के बाद जाएंगे, आराम करेंगे, फिर शाम की ट्रेन है। तब तक के लिए बाय बाय।